श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगोपीजन्मल्लभाय नमः ॐ वन्दे भन्दारुमन्दारुं वृन्दावनविनोदिनीं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यम् नरम चोत्तम देवी सरस्वती आज दिनांक 19 की कथा द्वितीय अध्याय की कथा हम तो आपको श्रवण करा रहे हैं सूत जी महाराज जो वहां पे उन्होंने सुखदेव महाराज से सुना उसे वह सविधि बताने की चेष्टा कर रहे यह बृहद नारद पुराण से लिया गया है सूत जी बोले राजा परिचित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमदभागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देख कर अब यहां यज्ञ करने को उदत्त ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूं और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृथार्थ हूँ ऋषि बोले हे साधो अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है हे सूत आप हम लोगों को वह बताएं ये महाभाग संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाई सूत जी बोले विलोम कहते हैं कि ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूं क्योंकि तो सूत जी कोई ब्राह्मण नहीं थे इसलिए वो अपने को बता रहे हैं कि मैं धन्य हूं जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूं एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए जो आश्रम बहुत से तपस्वियों सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर बहेड़ा आंवला बेल आम अमड़ा कैथ जामुन कदम्बादी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहां वह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और पर ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिसका जिनका ऐसे जितेंद्रिय काम क्रोधादि छो शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही है अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे नारद जी बोले हे देवों के देव हे जगन्नाथ हे कृपा सागर सतपते आप सत्य व्रत हो त्रि सत्य हो सत्य आत्मा हो और सत्य संभव ने आपको नमस्कार है मैं आपकी शरण में आया हूं आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलियुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी कर जाती है इसमें संशय नहीं है पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे ऐसे स्थिति हटाकर कलियुग में केवल करता ही पापों से लिप्त होता है यह आपके तब की स्थिति है भगवान कल में जितने प्राणी हैं, सब विषयों में आसक्त है स्त्री पुत्र गृह में लगा है चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो ऐसा विषय सोचकर आप कहने के योग्य आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूं उपकार प्रिय विष्णु है ऐसा वेदों में निश्चित है इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए। जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की श्री नारायण बोले गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर रसिकों के आभरण वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हे नारद आप सुनो जो निमेश मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं उनके कर्मों को हे इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता तो तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर्श कहते हैं यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला यश का दाता एवं सतपुरुष और मोक्ष को देने वाला है अत शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए नारद बोले हे मुने पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है उनका महात्म क्या है यह अद्भुत सा प्रतीत होता है अतः हो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए सूत जी बोले श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले श्री नारायण बोले पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है इसीलिए ऋषि गण उसको पुरुषोत्तम मास कहते पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं नारद जी बोले चैत्र आदि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं ऐसा मैंने सुना है परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए कृपा निधि स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए हे सतपते इस मास में क्या करना है कैसे स्नान करना क्या दान करना इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है कहिए इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन कहिए साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं वे बिना पूछे कृपा करके सदुपे या करते हैं इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य का के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित नित्य रोगी रहने वाले पुत्र को चाहने वाले जड़ गूंगे ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले नास्तिक पर स्त्रीगामी नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले आशा जिनकी नष्ट तो हो गई है संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं तत्व तो जिनके छिड़ हो गए हैं कुरूपी रोगी कुष्ठी, टेढ़े मेढे अंग वाले अंधे इष्ट वियोगी मित्र वियोगी, स्त्री ब्रियोगी, योगी, योगी पुरुष वियोग माता बिन पिता विहीन शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं वैसे जिन अनुष्ठान के कारण और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो हे प्रभो ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए बंध्या बंध्यादोष अंगहीनता दुष्ट व्याधियां आदि, मृगी राजयक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूं अतः मेरी ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय का विस्तार से कही हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं समस्त तत्वों के आयतन हैं सूत जी बोले इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवों के देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले कहते हैं श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास मास पराय महात्मे श्री नारायण नारद संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीय अध्याय एक बार बोलो प्रेम से श्री मन नारायण भगवान की जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय गोवर्धन धरम गोपालं गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोवर्धन्धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव गोविन्दं गोपिकाप्रियम्